हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सही होंगे। तो सुबह सुबह स्टार्ट कर रही हूँ एक न्यू ब्लॉग फुल से। तो बहुत ये क्या, कल हम लेके आए थे एक रोज़ और एक गुलेरी की पेड़, बहुत ही अच्छा लग रहा है, कलर बहुत ही अच्छा है। तो सुबह सुबह जग के थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर ले रही हूँ, क्योंकि वेट मेरा इतना बढ़ गया कि क्या बताओ। और गले की आवाज़ थोड़ा ख़राब है क्योंकि सर्दी जुकाम हो गई है, इसीलिए। तो कुछ माइंड मत करना। तो एक्सरसाइज चालू है और वेट मेरी अभी तो 75 किलो है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है क्या बताओ। और मेरा हाइट का थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए वो उतना भी पता नहीं चलता है कि मेरा मतलब बॉडी का वेट कितना है। कि तो जंपिंग भी स्टार्ट कर लिया, तो चलो एक्सरसाइज वगैरह कर लेती हूँ। और अब्रो और अब्रो के पापा को भी नाश्ता वगैरह भी कर देना है, तो उन लोग अभी तक जगा नहीं, उसके जग जाए उसके बाद नाश्ता दूंगी। और देखो अब्रो के पापा भी जग गया है। और ये जो चीज़ खा रही है इसको हम कहते हैं तेल पीठा, और इसको बनाई हूँ मैदा और केला से बना के फिर पकौड़े जैसे तेल में फ्राई किया है। तो एक बार फिर से फुल दिखा दे रही हूँ, क्योंकि सुबह जब दिखाई थी उतना भी खिला नहीं था, और अभी कितना बढ़िया मतलब खिल गया है देखो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो और एक नए ब्लॉग में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सुबह से सारा काम ख़त्म कर लिया, तो काम वाम ख़त्म करके फिर आप लोगों के सामने आई हूँ। तो रोज़ एक ही काम, क्या दिखाओ बताओ। आप लोगों को भी देखने की मतलब मन नहीं होता है, मुझे भी देने की मन नहीं होता है कि रोज क्या दिखाओ, ये एक जैसे ये एक ही सीन। तो चलो आज तो सारा काम खत्म कर लिया है, बर्तन वगैरह धो लिया है, तो अभी नाश्ता बनाऊंगी। मिस्टर जी तो सुबह में क्या कल रात को बना दिया था वो चीज़, तो केला घर में रह रहे के मतलब ख़राब हो रहा था, वापरों को भी खांसी वगैरह हो गया है, इसीलिए खिला नहीं रही थी, इसीलिए घर पे रह रहे के इसलिए ख़राब हो रहा था। तो मैंने सोचा कुछ बना लेती हूँ, तो उससे हम बनाई पीठा बनाई हूँ, मतलब केला और मैदा से अच्छे से मिक्स वगैरह करके चीनी वगैरह देके पकोड़ा जैसे गोल गोल बनाए थे। तो हमारे उधर उसको कहते हैं तेल पीठा, तो वही पीठा बनाई थी, तो सुबह सुबह वही खा के गए। तो अभी बनाऊंगी नाश्ते में सैंडविच बनाऊंगी, और मिस्टर जी के लिए चाय बनाऊंगी, वो शॉप पे दे आने के लिए कहा कि दुकान पे लेके आना। तो चलो जल्दी जल्दी नाश्ता बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। तो सुबह फूल से शुरू किया था, तो वो दोनों फूल के पेड़, एक गुलाब और एक गुलेरी, ये दोनों फूल के पेड़ कल लेके आए थे, और एक लेके आए थे टाइम फूल, मतलब दिन में फूटता है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब गुलेरी की कलर भी बहुत बढ़िया है। मैंने कहा था कि रेड कलर की ले आना, लेकिन ऊपर से रेड दिखा रहा था, तो मिस्टर जी सोचा कि रेड कलर की होगी, तो और एक लेके आऊँगी। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे गुलेरे की पेड़, और मैं घर पे भी लगाई हूँ, दो लगाई हूँ। तो मम्मी ने कह मेरी सासू माँ मम्मी कह रही थी कि बड़ा हो गया और उसमें बहुत सारे फूल खिलता है, तो चलो बढ़िया है। और ओ वाला मतलब गुलेरे की पेड़ की मतलब जो बहुत तरीके की गुलेरी की पेड़ आता है, लेकिन उसमें छोटा छोटा फूल खिलता है लाल कलर की, डीप लाल, इतना मतलब क्या बताओ, बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। तो चलो काम ख़त्म कर लो, नाश्ता बना लेती हूँ। वैसे सारा काम ख़त्म हो गया यार, जल्दी जल्दी सब कुछ कर लिया कि सब कुछ करके फिर आऊँगी सब आप लोगों के सामने। तो चलो काम ख़त्म कर लेती हूँ। मिस्टर जी के लिए देखो नाश्ता वगैरह लेके आ गई हूँ, चाय, और उधर खोल के दिखाना। सैंडविच लेके आई हूँ, तो जल्दी जल्दी खा लो। ठीक है, धन्यवाद। तो मैं भी नाश्ता कर रही हूँ, और आप लोग को भी दो दिया था वो खा लिया है, और एक हाथ में लेके इधर बालकनी में खेल रहे हो। तो चलो जल्दी जल्दी फिनिश कर लेती हूँ, फिर नहा के
लंग्स बनाने की तैयारी करना पड़ेगा। और आप लोग की थोड़े खांसी जुकाम हो गए, मुझे भी थोड़ा जुकाम हो गया है, क्या कहूँ। दिन में इतना गर्मी लगता है कि क्या बताऊँ, और शाम होता ही ठंड लगता है। अभी वेदर इतना खराब है और मेरी वेट भी इतना बढ़ रहा है तो क्या बताऊँ। तो सुबह सुबह एक्सरसाइज करना भी शुरू कर दिया है मैंने। तो चलो नाश्ता ख़त्म कर लेती हूँ। चलो चलो आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। ये फूल का पौधा मैं कल लेके आई थी, मिस्टर जी ने लिखाई थी, मैंने कहा कि जाके लेके आओ। तो सुबह भी दिखाई थी कि, लेकिन सुबह उतना खिला नहीं था। तो अभी कितना सुंदर लग रहा है, खिल गया है देखो। गुलाबी, ऑरेंज, अंदर पिंक, फिर रेड, मतलब तीन कलर की, कितना अच्छा लग रहा है। और मुझे पेड़ पौधे बहुत ही अच्छा लगता है, घर पे भी जब भी जाती हूँ कुछ ना कुछ लगा के ही आती हूँ। और क्या बताओ, और फूल का पेड़ तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है, बस जिंदा रहे इधर ही। हेलो दोस्तों, तो नहा धो के फ्री हो चुकी हूँ और खाना भी रेडी हो गया है। तो आज का मेनू है लंच का दाल चावल एंड आलू के भरता। तो सबसे बेस्ट खाना है मेरा मानना है, क्योंकि हमारे बंगाली लोगों को ये मिल जाए तो और कुछ नहीं चाहिए, दाल चावल एंड आलू की भरते और कुछ भी नहीं चाहिए। और पता नहीं दिन बढ़ते जा रहा है और मेरी जुकाम वगैरह और भी बढ़ रहा है, क्या करो, अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ी बेचैनी सी हो रहा है। तो चलो ऑपरे को खिला दूँ पहले, उसको बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, बोले कि मम्मी मुझे भूख लगाएगी, जल्दी खाना दे दो। तो चलो उसको दे देती हूँ। और अभी बज रहे हैं कितना, 12 बज गए शायद, हाँ 12:30 बज चुका है। तो चलो ऑपरे को खिला देती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। हेलो एवरीवन, तो दोपहर को लंच वगैरह करके हम लोग क्या सो गए थे, मतलब बहुत ही तबीयत खराब लग रहा था तो इसीलिए थोड़ा सो गया था। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, रात को देखो अभी तक मेडिसिन वगैरह कुछ भी खाया नहीं हूँ। तो अभी शाम को थोड़ा नाश्ता कर रही हूँ चाउमीन के साथ, तो सर्दी जुकाम हो गया इसीलिए थोड़ी सी चाउमीन लेके आई हूँ। और अब भी खा रहा है और चलो मैं भी खा लेती हूँ। तो वीडियो को और लंबा नहीं करूँगा, बहुत लंबा होते जा रहा है। तो चलो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। अगर अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और जो जो अभी तक नहीं किया है जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय, बाय बाय करो।